जय यीशु की। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे आशा है आप लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक बार इस कक्षा में आपसे मिलने, आपसे बातें करने और आपको पढ़ाने और पाठ को समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम लोग ने इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए हम उस पर पिता ईश्वर से आशीष मांगे और उनसे प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करिए सब लोग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो हम लोग ने पिछले अध्याय में एक नया अध्याय शुरू किया था, सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता। उस अध्याय में मैंने आप लोगों को सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक सहभागिता क्या है और पुराने विधान में सामाजिक अन्याय किस प्रकार था, राजनीतिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, इस सब के विषय में आपको बताया था। मुझे आशा है आप लोगों ने जरूर इस अध्याय को फिर से पढ़ा होगा और इसपे मनन चिंतन किया होगा। तो आज का अध्याय हम ईश्वर द्वारा अन्याय की स्थापना से शुरू करेंगे। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे ईश्वर द्वारा न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय और प्रभु येशु, प्रारंभिक कलीसिया में सामाजिक न्याय, कलीसिया एवं सामाजिक न्याय और वर्तमान सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता और सामाजिक न्याय में हमारी सहभागिता। तो सबसे पहले आज हम लोगों का अध्याय जो प्रारंभ होता है ईश्वर द्वारा न्याय की स्थापना से शुरू होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर न्याय की स्थापना करता है। ये सब बातें हम लोगों को कौन कौन से अध्यायों में देखने को मिलेगी बाइबल में? तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय की 27वीं लाइन में हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर ने नर और नारी को अपना प्रतिरूप बनाया, इस प्रकार उसने उत्पत्ति के समय लिंगों में समानता स्थापित की। यानी कि उसने नर और नारी, पुरुष और स्त्री बनाए और उन दोनों को अपना प्रतिरूप बनाया और दोनों को बराबर की समानता उनमें स्थापित की। उत्पत्ति के चौथे अध्याय की पहले लाइन से 16वीं लाइन तक हम पढ़ते हैं कि जब काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की तो ईश्वर ने हाबिल का पक्ष लिया और अन्याय की भर्त्सना की। यानी कि जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम देख रहे हैं कि न्याय अन्याय कहाँ हुआ कि काइन ने अपने भाई को ही मारा और ईश्वर ने तब क्या किया, हाबिल का पक्ष लिया और काइन को बताया कि तुमने ये क्या किया। फिर इससे आगे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 8वें अध्याय के पहले से 19वीं लाइन में देखते हैं, जब लोगों के असत्य अपराधों और बुराइयों के कारण ईश्वर ने जल प्रलय से उन्हें नष्ट किया तो उसने नूह और उसकी परिवार की रक्षा की क्योंकि वे धार्मिक थे। जो सबसे पहले ईश्वर ने लोगों को दंड दिया था क्योंकि उस समय पृथ्वी पर बहुत अपराध हो गए थे, बुराइयां हो गई थी और लोग एक दूसरे के प्रति अन्याय करने लगे थे। तो ईश्वर ने जल प्रलय के द्वारा उनको नष्ट किया और नूह का परिवार था उसकी रक्षा की क्योंकि वो धार्मिक थे और वो किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करते थे और कोई अन्याय नहीं करते थे। फिर हम आमोस के 8वें ग्रंथ में देखते हैं कि 8वें ग्रंथ की 5 से 6 लाइन देखते हैं, ईश्वर ने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने दरिद्रों और जरूरतमंद लोगों को धोखा देने के लिए नाप तौल में हेरा फेरी की और छोटे पैमाने काम में लाए। यानी कि अन्याय जहां पर भी होता है ईश्वर के द्वारा वो उसको लोगों को बताया जाता है कि आप लोग क्या अन्याय कर रहे हैं। और जब इसराइली फिराउन के शासनकाल में दासता और अत्याचार के कारण अपने समस्त अधिकार गवा चुके थे तो जब फिराउन के राज्य में जब इसराइली जनता जो थी दासता दास के रूप में
निर्गमन के तीसरे अध्याय में सातवीं से आठवीं लाइन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा। निर्गमन ग्रंथ के तीसरे अध्याय के सातवीं से आठवीं लाइन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाले अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं, जहाँ कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी बसते हैं। यानी कि प्रभु हमेशा जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है अपने किसी भी नबी को वहां पर भेजता है। और उन लोगों को जब इसराइलियों पर अत्याचार हुआ तो प्रभु ईश्वर ने मूसा को उनको दासा से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा। तो नबियों ने क्या किया, सामाजिक न्याय हेतु अपनी आवाज बुलंद की, यानी कि जो भी लोगों ने उन्होंने देखा कि क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, वो लोगों ने आवाज उठाई। ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा उन लोगों ने आवाज उठाई और लोगों को संबोधित किया और लोगों को सही रास्ता दिखाया। यथार्थ में वे ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी कि जो उन्होंने जो सामाजिक न्याय के लिए जब आवाज उठाई तो वो ही हम उनको सामाजिक वास्तव वाले सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। उन्होंने समाज में जनता की दैनिक स्थितियों की ओर इंगित किया, यानी कि जो भी उनकी दैनिक स्थिति थी वो नबियों ने उसको दिखाया और बताया। और उन्होंने धर्म, समाज और राजनीति में जो भी अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी उन सबको, उन सब की निंदा की। उन्होंने लोगों को न्यायोचित जीवन जीने की प्रेरणा भी दी और इस प्रकार वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में व्याप्त अन्याय के उन्मूलन में यथासंभव सहायक सिद्ध हुए। यानी कि नबियों के द्वारा ईश्वर ने समय समय पर नबियों को भेजकर समाज में व्याप्त जो भी अन्याय होते थे उनको बताया और उसके विरुद्ध लोगों को जागरूक किया और उनको इकट्ठा किया। तो प्रभु यीशु, अब आते हैं प्रभु यीशु जो थे सामाजिक न्याय के समर्थक और सहभागिता के सर्वोत्तम उदाहरण थे। नबियों के द्वारा ईश्वर ने अनेक नबियों को भेजा और जनता में और समाज में लोगों को जागरूक किया, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो वास्तव में समाज के समर्थक, न्याय के समर्थक और सहभागिता के सबूत हम लोगों के सामने उदाहरण है। प्रभु यीशु का जो जीवन था और उनकी जो शिक्षा थी ये सब हम लोगों के सामने प्रकट होती है। यानी कि हमें, हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षा और हम उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। तो सामाजिक न्याय, प्रभु यीशु का जन्म यहूदी समाज में हुआ था, यानी कि प्रभु यीशु यहूदी समाज में उत्पन्न हुए थे। कैसे, एक गरीब परिवार में। हम लोगों ने प्रभु यीशु की जन्म की कथा पढ़ी है, कहाँ पैदा हुए थे प्रभु यीशु, एक गौशाला में पैदा हुए थे। तो उस समय भी जब यीशु पैदा हुए थे उस समय भी सामाजिक अन्याय जो था बहुत प्रबल था और उस समय के जो समाज में अन्याय प्रबल थे उनको जो कष्ट थे, जो जनता में जो कष्ट होते थे उससे प्रभु यीशु व्याकुल हो गए और उन्होंने वहां के जो उनकी दमनकारी नीतियां थी उनके प्रति दृढ़तापूर्वक उसका विरोध किया। यानी कि प्रभु यीशु ने गरीबों के लिए आवाज उठाई और हम आगे दृष्टांत में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो भी कार्य किया उन लोगों के लिए किया, गरीब, उपेक्षित और पापी लोगों के लिए किया और नाकेदार लोगों के लिए किया और उनको कैसे समाज में एक बलिदानपूर्ण जीवन जीने के लिए उन लोगों को प्रेरित किया। यानी कि उनको, उनके प्रति उन्होंने कार्य किया और ताकि वो लोग एक अच्छे से एक अपना जीवन जीने में समर्थ हो सकते। तो हम लोगों के सामने बाइबल से अनेक उदाहरण है जिनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि जिनमें उन्होंने बताया कि प्रभु, बताया गया है कि प्रभु यीशु ने कैसे उन लोगों के लिए आवाज उठाई। लूकास के सातवें अध्याय की 24वीं लाइन में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु ने समाज में तिरस्कृत लोगों को परिचय दी। फिर उसके बाद
जनता को गुमराह करते थे। उस समय में मूसा की शिक्षा को ना मानना तो लोग जनता को गुमराह करते थे। बड़े बड़े नेता थे जो लोगों को भटकाते थे, उनको गलत शिक्षाएं की ओर अग्रसित करते थे। फिर इसके बाद हम लोग यूहन्ना के दूसरे अध्याय में 13 से 17 आयत में देखते हैं कि उन्होंने दृढ़तापूर्वक उन लोगों का विरोध किया जो दमनकारी नीतियां अपनाते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने यहूदी समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अन्याय का विरोध किया तो उन्होंने शासकवर्ग ने क्या किया और शासकवर्ग को उनकी आलोचना का शिकार होना पड़ा। यानी कि जब प्रभु यीशु ने उन लोगों को फटकारा और उन लोगों के बारे में उन लोगों को बताया तो जो शासकवर्ग था उस समय का बड़े लोग थे वो लोगों ने उनका प्रभु यीशु को उनकी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और उन लोगों ने क्या किया प्रभु यीशु के विरुद्ध झूठा षड्यंत्र रचा और उन्हें क्रूस पर ठोककर मार डाला। तो इस प्रकार प्रभु यीशु को भी उन लोगों ने दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण क्रूस पे मार डाला। अब आते हैं हम जो प्रारंभिक कलीसिया में सामाजिक न्याय की ओर, यानी कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रारंभिक कलीसिया थी। प्रारंभिक कलीसिया माने प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया जिसमें लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों ने कैसे प्रेरितों ने भी प्रभु यीशु के बाद कैसे सामाजिक न्याय का के बारे में बताया। तो प्रेरित चरित्र के हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि दूसरे अध्याय की 44 से 45 लाइन में सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ भी था उसमें सबका साझा था। वे अपनी चल संपत्ति बेच देते और उसकी कीमत हर एक जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। यानी कि जो विश्वासी प्रभु यीशु के जाने के बाद प्रभु यीशु में विश्वास करते थे वो क्या थे एक हृदय थे, यानी कि उनमें सहभागिता थी, वे सब मिलकर कार्य करते थे और उनके पास जो कुछ भी था वो एक का नाम होकर सबका था। और वो लोग जिसके पास जो भी चल संपत्ति होती थी वो उसको बेच के उसके जो पैसे थे उसको आपस में बराबर अपनी जरूरत के अनुसार बांटते थे। यानी कि जो धन था उसमें केवल एक का उसमें अधिकार नहीं था या एक की वो संपत्ति नहीं थी। तो प्रारंभिक कलीसिया जो है प्रभु यीशु की शिक्षाओं का पालन करती थी और लोगों को चेतावनी भी दिया करती थी। जो हम लोग प्रारंभिक कलीसिया जो है हम लोगों के लिए एक उत्तम नमूना है और उन प्रेरितों का जीवन हम लोगों के लिए क्या है उनका जीवन जो है भावनापूर्ण जीवन है जो यानी कि हम जिसे कह सकते हैं भाईचारे और समानता का जीवन, समता का जीवन है। और क्योंकि वे लोग क्या करते थे जाति धर्म वर्ण और भाषा से परे होकर एक मन और एक प्राण होकर एक समुदाय में रहते थे। यानी कि कोई ये नहीं कहता था मैं इस जाति का हूँ मैं उस जाति का हूँ या मैं मेरा ये धर्म है मैं यह वर्ण हूँ या मेरी ये भाषा है, वरन इन सबसे हटकर वो लोग एक साथ एक मन होकर एक समुदाय में रहते थे और वो लोग अपनी संपत्ति एक दूसरे को बांटते थे। यानी कि जो उनके पास संपत्ति थी वो एक ही ना होकर सबकी थी और वे एक दूसरे की सहायता करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठाते थे और इस तरह वो लोग आपस में एक प्रेम की अभिव्यक्ति करते थे। तो प्रारंभिक कलीसिया में सब लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। अब आगे हम लोग कलीसिया और सामाजिक न्याय जो अब हम लोगों का शीर्षक है कलीसिया और सामाजिक न्याय। आज की कलीसिया जो है प्रारंभिक कलीसिया की तरह की उनका अनुकरण करती है, उनका अनुकरण करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना में वो अपना मिशन या ध्येय मानती है और इसके लिए वो कार्यरत है। और इसलिए दिन की पहले हमारा समाज जो है उसकी जो शिक्षाएं हैं वो क्या करती है सामाजिक न्याय पर बल देती है। द्वितीय वेटिकन महासभा है जो जिसमें आधुनिक युग में कलीसिया यानी कि ये प्रपत्र है आधुनिक युग में कलीसिया प्रपत्र 69 जिसमें वो लोग बताते हैं कि आज दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अभाव से पीड़ित है। तो धर्म महासभा क्या करती है प्रत्येक व्यक्ति और शासन को कुलपतियों को
हत्या करते हैं। कैसे? अगर भूखा है और उसको भोजन नहीं दिया तो उसकी क्या हो जाती है? भूख से मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से उसकी मदद ना करके हम लोग उनकी हत्या करते हैं। और कलीसिया हमसे ये अनुरोध करती है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार क्या करना चाहिए? दूसरों की जो संपत्ति हम लोगों के पास है उसमें से कुछ अंश को दान करें। इससे क्या होगा? वो लोग अपने उपयोगी वस्तुएं या उनको उपयोगी वस्तुएं दें जिसकी सहायता से वे अपने विकास में स्वयं सक्षम बन सके। यानी कि जो गरीब लोग हैं, समाज के निचले तबके के वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को या तो वो अपनी क्षमता के अनुसार उन लोगों की कुछ संपत्ति का कुछ अंश दान दें, जिससे कि क्या होगा, वो लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदेंगे और उससे अपना स्वयं को सक्षम बना सकेंगे। संत पापा ने संत पापा जो है उन्होंने भी सामाजिक न्याय पर अनेक विश्व पत्र प्रेषित किए हैं और प्रत्येक धर्म प्रांत में सामाजिक न्याय को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया है, अनेक प्रयास किया है, प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किया है। कलीसिया विश्व में जो सामाजिक अन्याय है उसको भी दर्शाती है। आधुनिक कलीसिया जो है जो भी अन्याय होता है समाज में उसको भी दिखाती है और उसकी निंदा करती है और उनको सुधारने हेतु प्रयत्न है, प्रयत्नशील है। और कलीसिया हमेशा न्याय की स्थापना के लिए निरंतर कार्य करती है, यानी कि थोड़ा थोड़े समय कार्य करे और उसके बाद नहीं करे, लेकिन निरंतर ये प्रक्रिया कैसे चलती है? निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये था प्रारंभिक कलीसिया और हमारे कलीसिया है सामाजिक न्याय। तो अब आते हैं हम लोग वर्तमान सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता। तो हमारे समाज में क्या क्या अन्यायकारी होते हैं? जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, आतंकवाद, बाल श्रम, आर्थिक असमानता, हिंसा की संस्कृति और मौन हिंसा या बंधुआ मजदूर। यानी कि ये जो है अन्यायपूर्ण कार्य किन किन में होते हैं? जाति में भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार भी होता है, घूसखोरी। हम लोग शुरू से अपने जो भी हम लोग पिछले अध्याय में मैंने बताया था किस तरीके से हिंसाएं होती है, इस तरीके से अन्यायपूर्ण कार्य होते हैं। ये सब क्या है? इन सब रूपों को, इन सब को हमें जानना है, आप लोगों को जानना है, ये यानी कि आप लोगों को अवगत होना है कि किस प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्य होते हैं और आप लोग इसमें क्या करें, एक इसमें इसको बेहतर बनाने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए अपना योगदान करें और आप लोग सब इसको दूर करने में अपनी मैं सहायक भी हो सकते हैं, यानी कि आप लोग सहयोग दे सकते हैं ताकि जो भी समाज में अन्यायपूर्ण कार्य है उसको उसके उसको दूर कर सामाजिक न्याय स्थापित कर सके। अब आते हैं सामाजिक न्याय में आपकी सहभागिता, यानी कि सामाजिक न्याय को बरकरार रखने के लिए आप लोगों की क्या क्या सहभागिता है। तो आपकी सामाजिक सहभागिता का ईश्वर की इच्छा और योजना कैसे और मानव जाति के सच्चे कल्याण के साथ पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। यानी कि हम शुरू से पढ़ते आए ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसको अपने प्रतिरूप बनाया, नर और नारी को रूप बनाया, दोनों को समान बनाया। तो ये सब हम लोगों को जानना है और ईश्वर की जो इच्छा है और उसकी जो योजना है, यानी कि मानव जाति का जो है सच्चा कल्याण होना चाहिए, उस कल्याण के साथ हम लोगों को सामंजस्य होना चाहिए। यानी कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी, मैंने आपको बताया था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो हम लोगों को उनके हित में कार्य करना है और समाज के सदस्य होने के नाते हम लोगों को क्या कर्तव्य है? सामाजिक चिंतन, जो भी अन्याय होता है उसमें लोग आप लोग और लोगों को भी प्रेरित करें सहभागिता करने के लिए और लोगों को भी प्रेरित करें, जिससे कि क्या हो, सामाजिक उत्थान में बढ़ावा मिले और सामाजिक अन्याय क्या अन्याय ना सिर्फ एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए, परंतु समस्त समाज के को बरकरार, समस्त समाज में से बुराई को हटाने के लिए, अन्याय को हटाने के लिए होना चाहिए। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि हम लोग सामाजिक न्याय में अपनी सहभागिता को
दे। और ये सब क्या करते हैं, इसलिए हम लोग समाज को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं। इसलिए जो द्वितीय महापेटिकल महासभा है सबको समाज सेवी बनने का आह्वान करते हैं, यानी कि किसी एक का कर्तव्य नहीं है लोगों में समाज में सबके अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का, वरन हम सबका कर्तव्य, हम लोग सामाजिक हैं और समाज में रहते हैं, हमें जान हमें ज्ञात होना चाहिए कि समाज में कहां अन्याय हो रहा है और कैसे उनके लिए आवाज उठाने। तो द्वितीय वाटिकन महासभा जो है हम लोगों को आह्वान करती है, हम लोगों को बताती है कि हम लोग कैसे इस अन्याय को दूर करें। तो देखें कि लोग इनका ध्यान रखते, सबसे पहले वो कहती है हमें किसका ध्यान रखना है, लोगों का भलाई का ध्यान रखना है और अपने विरोधियों को प्यार तथा सम्मान दे। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शत्रुओं को मरने के मरने मरने तक अपने जो जिन्होंने उनको क्रूस चढ़ाया उनको भी सम्मान दिया, जो विरोधी थे उनको भी उन्होंने सम्मान दिया। तो हम लोगों का भी प्रभु यीशु की शिक्षाओं के चलते हुए हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने विरोधियों को प्यार करें और उनको सम्मान दें। संपूर्ण मानव जाति की में श्रद्धा का भाव विकसित करें, यानी कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम कि सभी प्राणी एक समान है, उन लोगों को दुनिया को हम लोगों को समाज में दिखाना है कि सभी लोग मानव जाति बराबर है। व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा समाज के विकास में सहयोग करें, हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रयास यानी कि हम स्वयं प्रयास करने के साथ समाज में भी जो समाज में विकास होना है अच्छे कार्यों के लिए विकास होना उसमें अपना सहयोग दें। फिर पड़ोसी के कल्याण एवं विकास के साथ साथ संपूर्ण परिवारों का के हित का भी ध्यान रखें, यानी कि परिवार हम लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए नहीं सोचे वरन पड़ोसी के और संपूर्ण मानव परिवार यानी कि विश्व जो है पूरा एक परिवार के रूप में हम लोग जानते हैं, सबके परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कार्य करना है। फिर निस्वार्थ पूर्वक लोक हित में बिना किसी जाति वर्ण लिंग भाषा धर्म एवं सामाजिक भेदभाव को दूसरों के साथ सहयोग करें, यानी कि जो भी भेदभाव है समाज में उसको दूर करने के लिए आप लोग सहयोग करें। तो ये था हम लोगों का सामाजिक न्याय और हमारे सरकार का अध्याय का सेकंड भाग, और अब मैं आपको यहाँ पर हम लोगों का अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अन्यायपूर्ण कार्यों का समाज में रहते हुए उनका विरोध कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को क्या सिखाती है उसके लिए भी हम लोग कर सके। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली। प्रश्नावली में हम लोगों के हैं पहला प्रश्न है सामाजिक न्याय क्या है, दूसरा सामाजिक सहभागिता क्या है, तीसरा ईश्वर द्वारा न्याय स्थापित करने के कौन कौन से विभिन्न तरीके हैं, प्रभु यीशु किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी है, फिर प्रारंभिक कलीसिया में सामाजिक न्याय किस प्रकार सम्मानित था, आज कलीसिया सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या करती है, हमारी सामाजिक सहभागिता के लिए द्वितीय वेटिकन महासभा क्या निर्देश देती है, आप अपने समाज में व्याप्त अन्याय के उन्मूलन हेतु क्या करेंगे। ये जो प्रश्नावली है अभ्यास की, ये आप लोग जरूर पूरा, मुझे आशा आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक इसे सुना होगा, तो आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ से आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग इसको फिर से मानचित्र करिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आप लोग ज्ञान आपके ज्ञान वर्धन के लिए है न्याय शांति विकास आयोग, न्याय रविवार, मानव अधिकार आयोग क्या है, अल्पसंख्यक अधिकार क्या है और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस सब के विषय में आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद इधर हम लोग आते हैं कि अपने घर स्कूल ग्राम मोहल्ला मित्र मंडली में न्याय स्थापना के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों को के अनुभव का आधार प्रदान कीजिए। किसी समाज सेवी को एक आप
यदि कर सकते हैं किसी समाज सेवी को आमंत्रित कीजिए और इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो मैं इसके साथ आप लोगों को, चूंकि हम लोगों का कोरोना काल है, हम लोग किसी समाज सेवी को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने पति से कर सकते हैं और अपने स्कूल से कर सकते हैं। किस प्रकार छोटे छोटे कार्यों के द्वारा समाज में हम लोग कार्य किस तरीके से कार्य करेंगे जिससे समाज में न्याय न्याय की स्थापना हो जाए। और फिर इसके बाद में नबी आमोस का जीवन चरित्र आप लोग जरूर बाइबल से पढ़िएगा। नबी आमोस का ग्रंथ, उसमें उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है और ये जानकारी आप लोग जुटा के रखेगा। तो इसके साथ ही आज हम लोगों का अध्याय 7 समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग घर में रहिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और निरंतर, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, निरंतर प्रार्थना में करते रहिए। प्रार्थना के द्वारा आप लोग प्रभु में ध्यान लगाइए। आप लोग युवा लोग हैं, युवा लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में अपना समय बिताना चाहिए जिससे कि आप लोगों का व्यक्तित्व का सही तरीके से विकास हो सके। तो मैं आज अपना ये अध्याय यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आप लोगों से विदा करती हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता के साथ रहिए।